पे ही है आज भी 90 रुपए 90 रुपए के करीब है, 60-70 रुपए में होलसेल में है। हमने पहले भी ये तमाम महंगाई के मुद्दे दिल्ली से लेकर जबलपुर तक तमाम मुद्दे उठाए हैं, क्योंकि ये मुद्दा नहीं उठ रहा है और दूसरे अन्य ऐसे मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं जिनका जनता से सरोकार नहीं है। दूसरी तरफ महंगाई का सीजन होते होते त्योहारों का सीजन भी सामने है, तो हम चाहते हैं कि त्योहार जनता जो है शांति से बिना महंगाई के अपने मना सके, इसलिए आज हमने विशेष तौर पर ये मुद्दा उठाया। रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि कांग्रेस अहंकार शिरोमणि श्री श्री 1008 ये बताएं उनका मंत्रिमंडल पेगासस में तो नहीं चला गया, वो हिंदुत्व के कब से ठेकेदार हो गए, कब से वो हिंदुत्व के सर्टिफिकेट बांटने शुरू हो गए, उनको वो गंगा का किनारा कोरोना का याद नहीं आया, लाखों लाशें हिंदुत्व के जो मुख्य हमारे वो होते हैं कि मृत्यु के बाद उनको कम से कम क्रियाक्रम नसीब हो जाए, उस पर एक शब्द नहीं बोलता है, वो हिंदुओं की दो बेटियां मणिपुर की याद नहीं आई, नग्न अवस्था में सड़क पर घुमाई गई, तब हिंदुत्व तो उनको याद नहीं आया, जब नागदा के अंदर माफ कीजिएगा उज्जैन के अंदर वो बच्ची छोटी सी कई घंटे तक सड़कों पर घूमती रही नग्न अवस्था में, उस समय पर उनको हिंदुत्व तो याद नहीं आया। हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटना बंद करें और बताएं व्यापम में 5 दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या किसने की, वो बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कल उनको इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर क्या फटकार लगाई है, वो बताएं कि क्या वो 2 किलो प्याज मोदी साहब को गिफ्ट करने दिल्ली जाकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मुख्य मुद्दों से ध्यान का बंद कीजिए रविशंकर जी, ये जहरीली आवाज वहीं छोड़कर आया कि अपने घर। मध्य प्रदेश की जनता इस विभाजनकारी तमाम बयानों से अब ऊब चुकी है, मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है। मैनिफेस्टो लाइए, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बहस करेंगे। बताइए डबल इंजन की सरकार का ड्राइवर क्यों उतार दिया, बताइए ट्रिपल इंजन की सरकार थी, कॉरपोरेशन भी विधानसभा भी और सांसद भी, वो ट्रिपल इंजन की सरकार ने जबलपुर के लिए विकास के लिए क्या क्या किया, उस पर चर्चा कीजिए।